अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दही बड़े, जिसके लिए हमें सबसे पहले दाल की ज़रूरत है। हमने ली है एक कटोरी मूंग की दाल धुली हुई और एक कटोरी उड़द दाल। इसको हमने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसका पानी निकाल दिया है। हरी चटनी के लिए हमने लिया है पुदीना, 6 से 7 हरी मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक कटोरी हरा धनिया, नमक लिया है हमने, ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ब्लैक सॉल्ट है, 2 पिंच हमने लिए हैं हींग के, ये बेकिंग सोडा है, रेड चिल्ली पाउडर, अजवाइन, दही लिया है हमने, इमली की चटनी है और ये है शुगर, फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्रीन चटनी की तैयारी। जो हरा धनिया है इसको डाल लेते हैं जार के अंदर, इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा पुदीना, ये जो हरी मिर्ची है हमने ये भी डाल ली इसमें, अदरक और हरी मिर्ची। इसमें लिया है हमने नमक 1/2 चम्मच, ज़ीरा है जो कि 1 टीस्पून है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी लेंगे, इसमें अच्छा टेस्ट आता है इसका, और डालेंगे थोड़ी सी शुगर। इसमें हमें पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। देखिए हमारी जो ग्रीन चटनी है ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं और रख देते हैं हम साइड में। अब हमें जो हमारी दाल है इसका भी स्मूथ सा बैटर हम तैयार करना है, तो हम डाल लेते हैं इसे भी जार के अंदर। और इसका बना लेते हैं अच्छा सा बेटर। देखिए हमारा बेटर तैयार है। अब हम इसमें डाल लेते हैं सॉल्ट, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आपको पसंद हो। जो हींग ली है ये डाल देते हैं इसके अंदर, 2 चुटकी हमने हींग ली है इसमें। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर सोडा, और डालेंगे थोड़ी अजवाइन। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें अजवाइन भी डाली। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए इसका बैटर कितना फ्लफी सा हो गया है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए। अब जो दही बड़े के लिए हमें जो दही चाहिए स्मूथ सा, हम उसको भी तैयार कर लेते हैं। इसे डालते हैं हम जार के अंदर। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ये बहुत ही स्मूथ सा हो जाता है, इसलिए हम इसको मिक्सर में करेंगे। इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून शुगर। अगर दही खट्टा है तो आप शुगर इसमें ज़्यादा लीजिए, और थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। इसको चला लेते हैं मिक्सर में। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। इसको भी निकाल कर हम रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं हमारे दही बड़े बनाने की तैयारी। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, इसमें डालते हैं ऑयल। इसमें ऑयल आप अच्छा लीजिए जिसमें हमारे दही बड़े अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है।
अब हम थोड़ा बड़ा चम्मच लेंगे जिससे दही बड़े का शेप थोड़ा बड़ा बने। बिल्कुल ऐसे गोल गोल आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालिए इनको। वो जो गैस की जो आंच है इसको आप बिल्कुल लो टू मीडियम पर ही रखिए। इसको तेज़ आंच में हमें नहीं फ्राई करना है वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए हमने सारे दही बड़े जो हैं ये डाल दिए हैं, ये फ्लफी से होकर एकदम ऊपर आ गए हैं। इनकी साइड को हम चेंज करते हैं धीरे धीरे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने एक बर्तन में पानी लेकर रखा था पहले से, अब हम उसमें डाल लेते हैं हमारे दही बड़ों को ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सारे दही बड़ों को पानी के अंदर निकाल लेते हैं। हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, दही बड़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको हथेलियों के बीच में रख के हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से। देखिए इनको ज़्यादा ज़ोर से आप ना दबाएं वरना ये टूट जाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा दबाइए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा आप प्रेस करिए इन्हें। अब हम इन पर डाल लेते हैं दही। दही इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है अब। ज़्यादा ही दही डालिए इसमें। अब हम डाल लेते हैं इस पर इमली की चटनी। इस इमली की चटनी की रेसिपी भी मैंने बताई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आप देख सकते हैं। इस चटनी की इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। इसमें ग्रीन चटनी डाल लेते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल लेते हैं, थोड़ी स्पाइसनेस देने के लिए इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल लेते हैं। तो बनकर तैयार है एकदम केक की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट से दही बड़े। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी को आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आई हो तो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अपनी दुआओं में मुझे याद